फ्रेंड्स मैं मेरे बटन देखिए आज निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए, और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या एक्सपायरी रह सकती है कल। लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्टडीज बाय विन वंडर, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडीज में जरूर जुड़िए। ब्लॉग है विन वंडर डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। फेसबुक पेज है हेजिंग स्टडीज बाय विन वंडर। ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग। व्हाट्सएप नंबर है 9699646408। ये देखिए YouTube चैनल है हमारा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लेना जिससे सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके चार्ट की तरफ चलते हैं पहले। ये देखिए निफ्टी के चार्ट में हम आ गए। आप देखेंगे यहाँ शॉर्ट सिग्नल दिया सुबह, उसके बाद अच्छा खासा नीचे दिया है और बाय नहीं बनाया अभी तक, बाय सिग्नल नहीं दिया। जैसे यहाँ बाय दिया था, बाय के देने के बाद इतना अच्छा चला था ऊपर, यहाँ शॉर्ट देने के बाद इतना अच्छा नीचे गिरा, वो मैंने तो आपको सुबह ही बोल दिया था। ये देखिए टेलीग्राम चैनल पर अगर आप आएंगे तो मैंने यही बोल दिया था कि आई एम गोइंग टू शॉर्ट निफ्टी इन द ओपनिंग, सुबह ही ओपनिंग में ही शॉर्ट करने के लिए। फिर 50% यहाँ पर बुक करने के लिए बोला था, 300 के आसपास, 11300 के आसपास शॉर्ट हुआ था, 207 पे बुक करने के लिए बोला था, 50% अभी बचा है, वो 50% काफ़ी नीचे में हम बुक करेंगे। और कल मैंने आपको 11107 का भी टारगेट दिया था, वो भी आज अचीव हुआ है। कल का अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने 11107 यहाँ पर ये टारगेट जो दिया था वो टारगेट आज अचीव हुआ है। ओके तो चार्ट मेरे को फिलहाल अभी के लिए तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ना तो शॉर्ट दिखा रहा है ना ही बाय दिखा रहा है। इंट्राडे चार्ट की बात कर रहा हूँ, डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो डेली चार्ट मेरा शॉर्ट ही दिखा रहा है। अब डेली चार्ट अगर देखते हैं यहाँ पर तो डेली चार्ट मेरा यहाँ से शॉर्ट है, 12,000 में, यहाँ से 12,180 के आसपास से शॉर्ट है और तब से शॉर्ट ही दिखा रहा है। तो अब चार्ट भी देख लिया और अच्छा ये ब्लॉग है हमारा vinaymandari.blogspot.com, इसमें भी जरूर जुड़िए, इसमें लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलते रहती हैं। ये न्यूज़ को आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में देख सकते हैं, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है वो लैंग्वेज यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करके देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन चेन ले लेता हूँ मैं, ये ऑप्शन चेन को पेंट में ले लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा। इधर आ गया मैं पेंट में, 11,250 पे क्लोज दिया है आज, 11,250। कॉल्स की साइड में देख लेते हैं, यहाँ पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी, ये सब कॉल राइटिंग है, 300 में 3 लाख के आसपास, 3,90,000 में 4 लाख के आसपास की क्वालिटी है, यहाँ पे 6 लाख की, यहाँ पे 7 लाख, 7.5 लाख के आसपास, 6 लाख। अच्छा 11,200 में देखिए यहाँ पर भी 2,34,000 की क्वालिटी है, इसमें 1,41,000 की यहाँ है, 2 लाख के आसपास यहाँ है। देखो ये जो लेवल है ना, ये वाला 11,100 वाला, ये दोबारा से आ जाएगा, जो आज का जो लेवल है 11,000 वाला, 11,100 का, ये दोबारा से आ जाएगा। थोड़ा सा एक काम करते हैं, पुट्स की साइड चलते हैं, 11,200 के पुट में क्या है, यहाँ पे पुट राइटिंग है, 11,200 के पुट में यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग है, यहाँ ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, यहाँ पे पुट राइटिंग है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये पुट राइटिंग है 11,100, 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 14,64,000, 7,75,000 इधर है, 7,75,000। अच्छा यहाँ से हो गया है कम, और ये हो गई है लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट्स की, इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग, इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग ना, और ये जो है आपका ये शॉर्ट कवरिंग है, यहाँ पर जो है शॉर्ट कवरिंग है, ये शॉर्ट कवरिंग मतलब 11,400 के पुट में तो है शॉर्ट कवरिंग, टेन थाउजेंड। अच्छा देखिए कल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कल गैप अप ओपन होगा बाजार, कल क्या होगा गैप अप ओपन होगा ऐसा मेरे को लग रहा है, ज़्यादा ओपन नहीं होगा, 50 से 70 पॉइंट के बीच में ऐसा दिख रहा है,
इस तरह का गैप अप ओपन हो सकता है 50 से 70 पॉइंट ऊपर। तो 50 से 70 पॉइंट अगर ओपन होता है तो 11,320 के आसपास गैप अप ओपन हो सकता है, यहाँ पर ओपन हो सकता है बाजार। यहाँ पर अगर ओपन होता है तो शॉर्ट करूंगा मैं तो। देखिए आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइस राय लेके करिएगा, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर इतना गैप अप मेरे को मिलता है तो मैं शॉर्ट करूंगा, और ये वाला मेरा टारगेट रहेगा 11,100 का टारगेट। अब ये जरूरी नहीं कि कल के कल आ जाए, ये जरूरी नहीं है कल के कल आ जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी जो है मेरे को एक्सपायरी, हाँ दूसरा एक्सपायरी मैं बता रहा था आपको, एक्सपायरी कहाँ पर हो सकता है 10, 18, 3। देखिए एक्सपायरी कल का जो एक्सपायरी लग रहा है ना मेरे को, वो होगा इस लेवल पे। क्या लेवल है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 11,207, ये लेवल है मेरा कल की एक्सपायरी का। ये मेरे को लगता है कि कल की एक्सपायरी होगी 11,207 के पास में। ओके, वैसे जो मेरे को टारगेट जो लग रहा है वो मेरा लग रहा है कि दोबारा एक बार ये इसे करेक्ट करना चाहिए, 11,107 को इसके नीचे दोबारा आना चाहिए। और जो शॉर्ट बनेगा 11,320 इसके आसपास अगर कल ओपन होता है तो वहां पर शॉर्ट करके काम किया जा सकता है। आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, केवल एजुकेशन पर्पज के हिसाब से मैंने चैनल बना रखा है जैसे कि आप लोग जानते हैं। और देखिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे लेटेस्ट अपडेट सारे आपको मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना, जहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। ओके, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।